नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। जिंदगी में कुशल मंगल रहना ही चाहिए। जैसा कि सीटेट के लिए हम आपके लिए क्लास दर क्लास ला रहे थे, आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप जैसा कि देख रहे होंगे ये EBS की क्लास है, इन्वायरमेंट की, और स्टेट से रिलेटेड लेके आए हैं। राज्यों की राज्यभर क्या जानकारियाँ हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप धीरे धीरे डिस्कशन की ओर ध्यान देना और हम निरंतर आपको ये क्लास को करा देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है हमारा वो लद्दाख से शुरू होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही लद्दाख की होती है। तो लद्दाख आपको पता है भारत के सबसे उत्तर में, सबसे उत्तरतम बिंदु भी लद्दाख ही है। लद्दाख ही राज्य सबसे उत्तर में पड़ता है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पूरा राज्य था, उसमें लद्दाख जो था वो अलग सिटी था। लेकिन आज क्या कर दिया गया, लद्दाख अलग राज्य बना दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर अलग, और दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ध्यान रखना आप। तो कह रहा लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। देखो ये NCERT में आपके में है, ये कहानी है पूरी। अगर हम लद्दाख से साइकिल लेकर के घूमते हैं तो किस किस राज्य में जाते हैं उसी को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ये लद्दाख है। कह रहा यहाँ एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं, ज़्यादा नहीं होता, एक या दो फ्लोर की क्या होती हैं बिल्डिंग होती हैं। कह रहा घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं, दीवार मिट्टी की होती हैं और उस पर चुनी हुई मोटी परत चढ़ी होती हैं। किसकी उस पर चुने की मोटी परत चुनी होती है, किसकी, चूने की। कह रहा यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और लद्दाख का एक शहर आप जानते ही होंगे, लेह, जहाँ भारत में सबसे कम 8.5 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है, ठीक है। कह रहा यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है। बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी नहीं पाई जाती और पेड़ पौधे भी पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है या मकानों के लिए वुडन स्टेयर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि भाई चढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी की सीढ़ी का। कह रहे मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, छतों के लिए मोटे पेड़ के तने को लगाते हैं। कह रहा है ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक एक चीज़ें पूछी जा सकते हैं, खुद भी रहने आ जाते हैं, ग्राउंड जो फ्लोर होता है उसमें क्या नहीं होती, तो विंडो नहीं होती, खिड़की नहीं होती है, इस चीज़ को आप तैयार रखना भाई, उसमें क्या नहीं होती, खिड़की नहीं होती है। फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब वहाँ जो फल पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, जम्मू लद्दाख के लोग सुखा लेते हैं और फिर इनका प्रयोग क्या करते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। फिर कुछ कह रहा है कि लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे, ये आप देख रहे होंगे सुनहरे पीले भुट्टे, ठीक है ना, यहाँ मिलते हैं लद्दाख में। जुले जुले का मतलब होता है वेलकम, जैसे हमारे यहाँ स्वागतम कहते हैं, आइए स्वागतम, आपका स्वागत है, तो ये शब्द दे देगा। जुले जुले से क्या तात्पर्य, जुले जुले किस राज्य में बोला जाता है, तो जुले जुले साथियों बोला जाता है लद्दाख में, और इसका मतलब होता है वेलकम, स्वागत करना, ठीक है ना। जब कोई अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, तो जब जुले जुले बोला जाता है। कह रहा है ट्रॉली, तो ये क्या होता है, तो ये लकड़ी का बना हुआ एक झूला होता है, एक इधर और एक इधर करके ऐसे करके चलता है, तो उसको हम ट्रॉली कहते हैं। कह रहे इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है, भाई नदी के बीचों बीच में डाल देते हैं तो उसे क्या करते हैं, ट्रॉली द्वारा उसे पार कर जाते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहीं पे चांगथांग, तो आप ये देख रहे होंगे चांगथांग का रहन-सहन, ठीक है ना। वो कह रहा है चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, यह 5000 मीटर की किस पे है, ऊंचाई पर स्थित है। कितनी पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कह रहा जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख के क्षेत्र में के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, किसमें, जो लद्दाख है भारत का उसके दक्षिण पूर्व में क्या है ये फैला हुआ है। कह रहा है यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी 5000 लोगों के करीब है, और ये हमेशा क्या चुनाती है, ये भेड़ बकरियों को पालन करती है, ये आप देख रहे होंगे चांगपा जनजाति को। और पूछ लेगा चांगपा नाम की जनजाति कहाँ मिलती है, तो आप ध्यान रखना चांगथांग के आसपास चांगपा नाम की क्या मिलती है, जनजाति। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, रेबो, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई ये रेबो क्या होता है, तो कह देना चांगपा लोग जो टेंट लगाते हैं उसे रेबो कहते हैं, किसे, जो टेंट लगाते हैं उसे रेबो कहते हैं। कह रहे चांगपा आदिवासी
लोगों के टेंटों का डिजाइन 1000 साल से भी क्या है, पुराना है, ये ध्यान रखना। ये जो लोग अपना टेंट लगाते हैं इनका जो डिजाइन है साथियों वो लगभग 1000 साल से भी क्या है, पुराना है। इस चीज को गौर करना आप, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है, यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या चलती है, हवाएं चलती है, कपकपी, मतलब ये क्षेत्र पूरा ठंडा हो जाता है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है, तो चांगपा का मतलब होता है साथियों ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। कह रहा लेखा था टेंट के पास एक जगह होती है, आप देख रहे होंगे, जहाँ लोग, जिसे लोग क्या बोलते हैं, टेंट के पास जो जगह होती है उसे लेखा, ये अपनी बकरी और भेड़ों को क्या रखते हैं, बकरी और भेड़ों को रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं, यह परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, मतलब वो इधर से उधर ना चला जाए इसीलिए उस जानवर पर क्या बना देते हैं, एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है साथियों वो है औरतें और छोटी बहन बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा क्या करती हैं, गिनती हैं, मतलब एक बार जानवरों को काउंट कर लेते हैं चराने के लिए जब जाते हैं, एक बार जब वापस लाते हैं तब, जिससे कि गलतियां नहीं होती हैं। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगहों पर चराने के लिए ले जाते हैं जिसमें बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं, वो घने होते ही साथियों इसीलिए हैं जिससे कि ठंड का बहुत ज़्यादा आभास उन्हें नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, तो ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया, ये आप जो देख रहे हैं पश्मीना शॉल, अब तो छोड़िए प्राचीन समय से ही पश्मीना शॉल की भारत में क्या रहा है, इतिहास रहा है, विदेशी लोग यहाँ से पश्मीना शॉल को ले जाते थे। कह रहा पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है, जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है, तो पूछ लेगा ये ऊन कैसी होती है, काफ़ी मुलायम होती है ये, ठीक है ना। कह रहा यह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है, ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री, जो टेम्परेचर होता है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ क्या हो जाता है, चला जाता है, और यहाँ का जीवन बड़ा ही हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट कह रहा बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, इनमें से कुछ बाल बकरियाँ गर्मियों में क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होते, तो आप देख रहे होंगे थिकनेस बहुत ही कम होती है, हमारे जितना बाल होता है उसके 6 बाल बराबर किसका होता है, मतलब उसके 6 बाल होंगे हमारा 1 बाल होगा, ठीक है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं, लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है, तो देख रहे हैं 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को तैयार करने में, इसीलिए पश्मीना शॉल काफ़ी महंगी होती है। कह रहा है एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है, आप देख रहे हैं भाई आखिरकार पश्मीना बकरी की शॉल से है ना, जो इतनी ऊंचाई पर भी अपने को ठंड सहन करती है। नेक्स्ट है श्रीनगर, कह रहा है श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में, तो ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ नहीं है, पत्थरों में भी हैं, पर्वतों में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं और साथियों पानी पानी में भी हैं, ठीक है ना, आप ये देख रहे होंगे पानी में भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है हाउस बोट, यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है, ये देख रहे होंगे ये क्या है, हाउस बोट है, आप देख रहे होंगे इसकी जो लंबाई है वो 80 फीट हो सकती है और चौड़ाई इसकी 8 से 9 फीट तक हो सकती है। फिर कह रहा है डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है, कहाँ मिलती है, झेलम नदी में डल झील में। कह रहा है इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और इसकी छत पर डिजाइन होती है और उन्हें खत्म बंद कहते हैं, आपसे पूछ लेगा खत्म बंद कैसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है, ये डोंगा क्या होती है, नाव होती है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, कश्मीर के गाँव में घर पत्थर से बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं, मतलब ढलान होते हैं, देख रहे हैं आप छतें, ये सब ढलान वाली छतें हैं, कैसी हैं, ढलान वाली छतें होती हैं, विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं, आप ये सब देख रहे होंगे ये खिड़कियाँ हैं, तो ये क्या है, विशेष प्रकार की खिड़कियाँ हैं, दीवारों पर निकली होती हैं, इन्हें डैब कहते हैं, डैब जो दीवारों से बाहर निकली होती हैं
उन्हें कह रहे हैं, इन्हें सुंदर डिजाइन करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सिकारा नाव, तो ये सिकारा नाव पर्यटन जो होते हैं उनको बेहद आकर्षित करती है, क्या करती है, आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, सरसों के तेल में, और गोवा में नारियल के तेल में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कश्मीर में किस में, सरसों के तेल में, और गोवा में नारियल के तेल में। कह रहा कहवा कश्मीर की एक खास किस्म होती है, ध्यान रखना चाय की, कहवा ऐसे याद रखना। मनाली की बात करें तो कह रहा मनाली मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है, दोनों ही चीजें हैं मनाली में, बारिश भी और बर्फ भी पड़ती है, ध्यान रखना। कह रहा यहाँ पर घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं, ढलान वाली होती है, और यहाँ का जनजाति की बात करें तो गद्दी जनजाति के लोग यहाँ पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, तो गद्दी जनजाति के लोग। आप ये कहानी पढ़ रहे होंगे, ये एग्जाम में पूछी गई है, आपको एनसीईआरटी में चेक कर लेना चाहिए इसे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट उत्तराखंड की बात करते हैं। कह रहा उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं, आप देख रहे होंगे फ्लावर ही फ्लावर है उत्तराखंड में, पहाड़ों की जगह है। कह रहा यह फूलों की घाटी कही जाती है, और कहीं ये फूलों की घाटी तो कई बार पूछ लिया गया किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। कह रहा झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए नजर आते हैं, कहीं रेड और कहीं आपको क्या दिख रहे हैं, व्हाइट फूल दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये उत्तराखंड की क्या है, पहचान है। इसके साथ ही नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। कह रहा उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है, कन्नौज जो जिला है, यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा ये तैयार किया जाता है, ठीक है ना, देख रहे होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ के केवड़ा बनाते हैं, इत्र बनाते हैं और गुलाब जल यहाँ तैयार किया जाता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है, तो ये कचनार के फूल देख रहे हैं, इनकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। कह रहा कथक उत्तर प्रदेश का क्या है, नृत्य है, कौन सा, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। साथ ही बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में मधुबनी नामक जिला है, यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में विशेष प्रकार की चित्रकारी की जाती है, ये आप देख रहे होंगे। मधुबनी तो एक्सप्रेस भी चला दी गई है जिस पर मधुबनी पेंटिंग कही गई है, ध्यान रखना। कह रहा यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं, तो ये पिसे हुए चावल आप याद रखना, मधुबनी पेंटिंग में जो चित्र बनाए जाते हैं वो पिसे हुए चावल के बनाए जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट कह रहा है इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, तो इन सब के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया था। इसके साथ ही आसाम की बात करते हैं, तो आसाम में घर जमीन से 10 से या 12 फीट ऊंचाई पर होते हैं, ध्यान रखना। आसाम के जो देख रहे हैं जमीन से कहाँ है, 10 से 12 फीट ऊंचे, ठीक है ना। कह रहा है ये बांस से बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया किस राज्य में बांस से घर बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपको आसाम करना है। कह रहा है और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो घर में बाहर भी और अंदर भी दोनों ही और यहाँ क्या किया गया, लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। कह रहा है असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं, यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, तो पूछ लेगा कहाँ पर बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, भारत सरकार ने तो इसे ग्रीन सोना कहा है, ग्रीन गोल्ड, क्या कहा है, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, ठीक है ना, अपने बजट में। नेक्स्ट मिजोरम की बात करते हैं, कह रहा मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, मिजो पहाड़ियां हैं यहाँ, मिजो जनजाति भी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में 3/4 लोग रहते हैं, यहाँ की मुख्य फसल क्या है, चावल, ये पूछ लेगा आपसे, तो मेनली यहाँ जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, चावल है। कह रहा यहाँ की खेती की लॉटरी निकाली जाती है, जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मिजोरम में बांस के क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट झूम खेती कहाँ होती है, तो ये भी मिजोरम में होती है, कहाँ होती है, झूम खेती का मतलब होता है एक जगह से करके फिर वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो आगे की ओर चले जाते हैं, तो इसे झूम खेती कहते हैं, ठीक है।
ठीक, काटो जलाओ खेती कहते हैं, चलवासी कृषि कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहते हैं, कई नाम इसके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है चिराओ नाच मिजोरम में मनाया जाता है। जब यहाँ फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, नाचते हैं, इसी को हम चिराओ नाच कहते हैं। तो आपसे कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा चिराओ नाच, क्या चिराओ नाच, तो तब आपको इसका क्या करना है, आंसर करना है, क्या करना है, इसका आंसर करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों केरल के बारे में, तो कह रहा है केरल में टैपियोका, ये पूछा जाता है जमीन के नीचे उगाया जाता है या एक प्रकार का फल होता है, ये आप देख रहे हैं ये टैपियोका है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं, और टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कप्पा, याद रखना क्या कहा जाता है, इसे कप्पा भी कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, कप्पा भी कहा जाता है। कह रहा है बल्लम लकड़ी की बनी होती है, ये देख रहे होंगे, नाब होती है जो केरल में पाई जाती है, तो पूछ लो बल्लम क्या है, तो कहते ना ये एक नाब है जो लकड़ी की बनाई जाती है जो केरल में पाई जाती है। यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम भाषा बोली जाती है, कौन सी, मलयालम भाषा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा, अम्मूमा, और माँ की बड़ी बहन मौसी जो होती है बलियम्मा कहते हैं, और चाचा को और चिट्टपन कहते हैं, और चाची को कुजम्मा, एक एक नाम को याद रखना, चाची को क्या कहते हैं, कुजम्मा कहते हैं, चाची को कुजम्मा कहते हैं, ठीक है ना, और पिता को अप्पा कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्पा कहते हैं पिता को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी नाव है, ये फेरी नाव है। केरल के मसालों का बगीचा भी कहते हैं केरल को, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि यहाँ क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। कह रहा है यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, किससे, केले के फूल, ध्यान रखना किससे, केले के फूल से यहाँ पर सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करें तो कह रहा है नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश है, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है, और मुख्तारपुर गाँव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। ये वहाँ एनसीईआरटी में क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, वहीं से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए विशेष वही बातों को हम बता रहे हैं जो बुक में आपके में दे रखी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे लोकप्रिय भोजन इडली है, डोसा है, बड़ा है, सांभर है, नारियल है, चटनी है, ये वहाँ का क्या है साथियों, भोजन है, आप ध्यान रखना क्या है वहाँ का भोजन। कह रहा पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है इस समय, और इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ये चमकदार साड़ियों के लिए क्या है, फेमस होती है ये पोचमपल्ली और कलमकारी बुनाई, ठीक है। मुंबई की बात करते हैं, कह रहा मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, ये ध्यान रखना। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, आपसे पूछ लेगा तो ये मुंबई में है। कह रहा पहली बार 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने रेलगाड़ी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। कह रहा है नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ पे है, ये मुंबई में ही है, कहाँ पे है, मुंबई में। सोलापुर कहाँ पे है, तो साथियों ये भी मुंबई में है। बाजार गांव कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कब परेड पूछ लेगा आप, तो कहना मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम क्या है, मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में होता है, यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। कह रहा है इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़, जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक चित्रों को यहाँ क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। कह रहा है गाय के गोबर और मिट्टी का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कर्नाटक के लिए, कर्नाटक की भाषा क्या है साथियों, कन्नड़, कौन सी भाषा है, कन्नड़। कह रहा है बेलमनिका गांव कहाँ का है, कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ कहाँ पे है, होलगुंडी ही गांव में है, ये आप देख रहे होंगे कर्नाटक का मंदिरों का एक दृश्य, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान की बात करूँ तो कह रहा है राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये किसके घर है, मिट्टी के घर हैं। कह रहा है घरों की दीवारों को बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और उन्हीं की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, किससे, कटीली झाड़ियों से छतों को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं, टैंक जो होता है उसे क्या कहते हैं, टंका कहते हैं, टंका याद रखना, हर घर में होता है ये। अपने आंगन में, जमीन में
गड्ढा खोदकर टैंक का क्या किया जाता है, निर्माण। तो हर आंगन में वहाँ आपको टंका जरूर मिलेगा। कह रहा है बारिश का सारा पानी इस टैंक में गिरा देते हैं और बाद में छानकर इसे क्या कर लेते हैं, उपयोग में लाते हैं। और बारिश तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए जल संरक्षण के लिए टंका एक अपने आप में प्राकृतिक उदाहरण भी है। ठीक है, कह रहा है टेकला गाँव 1600 मीटर ऊँचा है, जो राजस्थान के झालरपतनम या झलवार में है। कह रहा राजस्थान के जोधपुर में खेजल डल्ली गाँव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। सलमान खान ने जो काला हिरन मांगा था उनका केस भी जो है बिश्नोई समाज से ही था। ठीक है ना, कह रहा शिकार करना और पेड़ों को काटना यहाँ वर्जित है, तो तभी तो शिकार करते हुए सलमान खान को पकड़ लिया था। नेक्स्ट, रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव क्या है, हरा भरा है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेज जल्दी गाँव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं और कह रहा है इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कह रहा है इसकी छाल दवा बनाने के किस में आती है, काम में आती है, तो ये क्या है, औषधीय गुण भी है। कह रहा है इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है और इसकी फलियों से क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और कह रहा है इनकी पत्तियों को कौन खाते हैं, जो वहाँ के जानवर हैं वो जानवर इनकी पत्तियों को खाते हैं। इसके साथ ही इन राज्यों के कुछ नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं साथियों, तो वो नृत्य हैं साथियों तिल संक्रांति, ये कहाँ का है त्यौहार, सॉरी नृत्य नहीं त्यौहार, कहाँ का है ये, यूपी बिहार और MP, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश का। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। नब्बान कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। ओणम साथियों कहाँ का है, ये केरल का है। बिहू कहाँ का है, ये असम का, याद कर लेना। और पोंगल कहाँ का, ये तमिलनाडु का है। तो आज की क्लास में हमारी में इतना ही, क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए और हम आपके लिए CTET की पूरी क्लास लाएंगे, EBS की भी और पेडागोजी की भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार, अलविदा, खुदा हाफिज़।